आपका मेरी चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बहुत इफ़ेक्टिव से चीज़ जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होता है, जिसे हम जीरा के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में क्यूमिन सीड कहते हैं, ये हमारी कई सारी बीमारियों को कैसे दूर करता है आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इसको कैसे लें और किस तरह से लें कि बीमारियों को दूर कर सकें। दोस्तों, जीरा का पानी जो होता है वो हमारे पेट की समस्त बीमारियों को दूर करता है। जीरा का पानी जो होता है पेट की अम्लता जो होती है, पेट में सूजन, अगर कहीं ऐसी समस्या है, गैस, बदहजमी जैसी समस्याओं को ये दूर करता है। जीरे का पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे कैसे ये बनाना है और कैसे इसका सेवन करना है। ये हमारे शरीर में एनीमिया, जिसे खून की कमी कहते हैं, अगर आपके शरीर में एनीमिया की बीमारी है दोस्तों, मात्र 15 दिन आप इसका पानी पी के देखिए, आपके शरीर में खून की कितनी भी कमी होगी वो पूरी दूर हो जाएगी। अगर आप एनीमिक हैं तो पूरी तरह से आप हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। जीरे का सेवन आपको कैसे करना है, जीरा पानी बनाना, अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाना और कितनी मात्रा में लेना है। पहले आप इसके फ़ायदों को जानिए। दूसरी चीज़ जो नेक्स्ट फ़ायदा है, हड्डियों को हमारे मजबूत करता है। बहुत से लोग हैं जो कैल्शियम के लिए बहुत परेशान हैं और कई सारी ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाए। दोस्तों, सिर्फ 15 दिन आप करके देखिए, जीरा वाटर पी के सुबह खाली पेट, आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी है जिसके लिए आप इतनी सारी दवाइयां कर रहे हैं, आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। शरीर में कैल्शियम की कमी को ये पूरी तरह से दूर करता है। कच्चे जीरे में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है। नेक्स्ट जो फ़ायदा होता है दोस्तों, ये हमारी स्किन की से संबंधित जो बीमारी होती है, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस जैसे बीमारी को कैसे दूर कर सकता है। आपको जीरे का कच्चा जो जीरा, इसी का पाउडर बना लीजिए, नारियल का तेल ले लीजिए और शीशे की एक कोई जार, उसमें आप इसके 2 चम्मच पाउडर डालिए, और अगर आपने उसमें 0.5 लीटर लिया है तेल, यानी कोई भी तेल आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नारियल का तेल ही होता है, क्योंकि नारियल के तेल जो होता है वो भी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप नारियल के तेल में इस पाउडर को डालिए और उसको 1 हफ्ते के लिए धूप में रख दीजिए, और उसके बाद आप उस तेल को लगाइए। दोस्तों, सोराइसिस जैसी जो समस्या होती है वो भी पूरी तरह ठीक हो जाती है। जीरे में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जीरे को हम 1 चम्मच जीरा सिर्फ यूज़ किए हैं, इसको रात भर के लिए सोक करा के रख देते हैं। ये जो जीरा वाटर बन के तैयार होता है, ये हमारे शरीर के वाटर रिटेंशन, यानी जब शरीर में पानी भरने लगती, कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसके मिक्के शरीर में पानी भरने की समस्या हो जाती है, ये वाटर रिटेंशन को दूर करता है। यानी वाटर रिटेंशन की स्थिति में वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि शरीर में पानी भरने लगता है, शरीर में जो पानी चढ़ता है इसकी वजह से ये आपकी बीमारी होती है। इसमें आपको जीरे का जो वाटर है इसे आपको यूज़ करना है, या फिर कच्चा जीरा का पाउडर बनाइए, 0.5 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से लीजिए, समस्या आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल से क्या होती है, हमारी धमनियों की जो दीवारें होती हैं उन पर प्लाक जम जाता है, जिससे हमें हार्ट रोग होने का डर होता है, हृदय की बीमारी हो जाती है। तो इसके वजह से ये हमारे जो कोलेस्ट्रॉल को होता है ना, उसको बैलेंस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में लाता है। दोस्तों, ये पानी बहुत इफेक्टिव है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और हम आगे आपको बताएंगे जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनके लिए इसको कैसे यूज़ करना है। कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज की समस्या है, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज उनको बनी रहती है, जिसके वजह से गैस, एसिडिटी, अपच, खट्टी डकारें आना, ये सारी समस्याएं साथ में लिए रहती हैं। दोस्तों, ये जीरा वाटर आप पीना सुबह सुबह शुरू करिए, आप देखेंगे कि इसको पीने से, सिर्फ 15 दिन ही आपको करने को कह रहे हैं, 15 दिन आप इसको करिए, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप 1 चम्मच जीरा वाटर सिर्फ 1 बार सुबह सुबह पीते हैं, इसे 2 टाइम भी पिया जा सकता है, लेकिन दोनों टाइम में पीने के लिए आपको 0.5 चम्मच आपको रात में भिगाना है, सुबह पीना है, और 0.5 चम्मच आपको दिन में भिगाना, रात में पीना है। इस तरह से यानी एक दिन में आपको 1 चम्मच ही लेनी है इसकी मात्रा जीरे की, क्योंकि कच्चा जीरा जो होता है इसमें बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं जो हमारे शरीर के कई सारी कमियों को दूर करते हैं। अगर आप 1 चम्मच दिन भर में लेते हैं तो आपके इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। ये देखिए किस तरह से जीरा वाटर बन के तैयार हो गया। आप इसे ऐसे नॉर्मली भी पी सकते हैं, जैसे कि अभी गर्मी का सीज़न है, समर के सीज़न में आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं, लेकिन विंटर का सीज़न है तो आप इसे गर्म करके पीजिए। लोग कहते हैं, देखिए जीरे की जो तासीर होती है ना वो गर्म होती है, लेकिन जब आप पानी में इसको भिगाते हैं तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, और पेट में जब ये जाता है ना
जीरा वाटर तो पेट को पूरी तरह से ठंडा करता है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जैसी समस्या भी अगर आपको बनी रहती है तो उसमें भी बहुत एक कारगर है। पेट में कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों, तो आप ये जीरा का जो पानी आपने बनाया ना, इसको आप जीरे के साथ ही इसे उबल जाने दीजिए। ये जब बॉयल हो जाए, आधा गिलास बचा रहे, तो आप उस पानी को हल्का सा ठंडा करके आप पीए, देखेंगे आपके दर्द जो है चुटकियों में दूर हो जाती है। और ये जो जीरा का पानी जो काढ़ा बन के तैयार हुआ है, उसी को किसी कपड़े में उसे सोख करा के उसको पेट पर उससे सिकाई भी करें, आप देखेंगे मिनटों में आपके पेट का दर्द दूर हो जाता है। ये जो सफ़ेद जीरा होता है दोस्तों, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं पाइल्स के लिए, मैं आपको बता रहे हैं। आपको लेना कैसे है, आप जैसे हमने इसको भिगाया है ना, वैसे ही आप इस पानी को भिगा दीजिए। भिगाने के बाद ये पानी आपका बनके तैयार होता है, तो आप क्या करिए, इस पानी को आप थोड़ा सा गर्मा लीजिए। गर्माने के बाद जब ये हल्का ठंडा हो जाए, तो इसमें मिश्री जो आती है धागे वाली, उसको पीस के उसको पीजिए। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आप प्लेन ही पीजिएगा। सुबह शाम अगर आप इस तरह से काढ़े को बना के पीते हैं सुबह शाम, तो ये पाइल्स के जो मस्से होते हैं वो तो ठीक ही हो जाते हैं, साथ साथ जो नसों में सूजन वगैरह आ जाती है वो भी ठीक हो जाती है। पाइल्स में होने वाली सारी तकलीफ़ों को ये जीरा वाटर दूर करता है। तो आप इस तरह से इसका उपयोग करेंगे, आप देखेंगे आपको इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और ये सारी बीमारियाँ जैसे हमने आपके साथ शेयर की, इन सारी बीमारियों को ये सिर्फ आपको सिर्फ 15 दिन, हमने बोला है 15 दिन ही करिए, आप इसके रिजल्ट को खुद ही देखेंगे कि कितना इफेक्टिव है जीरा है, जो हमारे घर में ही अवेलेबल होता है, लेकिन हम इसके फायदों को नहीं जान पाते। वेट लॉस जो लोग करना आप चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये जीरा वाटर। आप क्या करिए, इसको बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद जब ये नॉर्मल हो जाए, तो इसमें 1/4 चम्मच जो दालचीनी आता है, इसे सिनेमन स्टिक कहते हैं, उसके पाउडर को डाल के आप रोज सुबह पिया करिए। आपको 1 महीने के अंदर मन चाह परिणाम मिलेगा, वेट लॉस बहुत आसानी कर पाएंगे। बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये, जो हमारी बेली फैट होता है ना, उसको घटाने के लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है। और ये जो जीरा बचा हुआ है ना, भीगा हुआ जीरा, इसे आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। आप अगर काढ़ा पी रहे हैं या फिर ऐसे नॉर्मली आप जीरा वाटर पी रहे हैं, तो इसको पीने के बाद ये जो जीरा बचा, इसको आप चबा चबा के, अच्छे से चबा चबा के खा लीजिए, तो आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो जीरा है, इसका अर्क निकलने के बाद भी जीरा में अभी इतने सारे तत्व हैं, इसको आप चबा के खाएंगे तो इसके पूरे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यानी 1 चम्मच जो जीरा लिया है ना, 1 चम्मच के पूरा आपको जो इसके फायदे हैं पूरा मिलेगा। तो इस जीरे को भी आप बिल्कुल मत फेंकिएगा, इसे चबा के खाइए। पहले अगर आपको स्वाद में थोड़ा सा ये बीटर होता है, कड़वा होता है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा मिश्री ले लीजिए इसके साथ, उसके साथ चबा के खाइए। लेकिन इसको आपको चबा के खाना है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उन्हें मीठा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना होता है, बिना मीठे के ही वो इसको खाएंगे। ये दोस्तों, ये जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी ये रामबाण दवा है। अगर आप जीरा पानी पीते हैं तो हाई बीपी की समस्या आपकी बुरी तरह से दूर हो जाती है। ऐसे दोस्तों, इसके और भी अनेक फ़ायदे हैं। शुगर के जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। अगर बालों में जुएं जो लीक होती है, डैंड्रफ की समस्या है, तो आप क्या करिए, इसके पाउडर को बना लीजिए और फिर आप इसको काढ़े के फॉर्म में इसे चेंज कर लीजिए। और उसे जब ठंडा हो जाए, तो बालों में आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद बाल धो लीजिए। 7 दिन करके देखिए, बालों की जो समस्या है, डैंड्रफ होना, जुएं, लीक तक को ये ख़त्म कर देता है। तो आपने देखा कि कितने सारे फ़ायदे हैं जीरे के, तो क्यों ना आप इन फ़ायदों को उठाइए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसे दूसरों के साथ भी शेयर किया करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।